नबील, तलहा, अहमर और उस्मान, ये चारों यकजा हों तो बनता है चारपाई बैंड। जी हाँ, इस बैंड का सिर्फ नाम ही अनोखा नहीं, इनका काम भी अनोखा है। ये चारों फ्री स्टाइल ड्रमिंग के रसिया हैं, जिसके लिए इन्होंने रवायती साजों से हटकर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया से खुद अपने साज तैयार कर रखे हैं। इन होनहार नौजवानों का असल टैलेंट गुज़िश्ता माह सामने आया, जब इन्होंने आल पाकिस्तान फ्री स्टाइल ड्रमिंग कंपटीशन जीत लिया। और अब ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ब्राजील जाएंगे, जहां होने वाला है फ्री स्टाइल ड्रमिंग का आलमी मुकाबला। ओवर 40 कंट्रीज से टीम्स आ रही हैं, हमने उन्हें इंशाल्लाह टफ टाइम देना है और हम अपने यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंट हैं और लोगों की दुआएं। इस तरह का कंपटीशन जो है वो वैसी एक बहुत यूनिक चीज़ है। आपकी बेसिकली उन्हें पोटेंशियल देखना होता है कि आप एवरीडे आइटम से क्या क्या म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। ब्राजील में होने वाले इस आलमी मुकाबले में 2 मिनट की परफॉर्मेंस पेश करना होगी, जिसके लिए ये नौजवान घंटों रिहर्सल करते हैं और इस मुकाबले के लिए इन्होंने मुनफरिद बीट्स तैयार कर रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जीत गए पाकिस्तान से, तो इंशाल्लाह अब अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ब्राज़ील में फॉर द वर्ल्ड फाइनल्स। अब देखें क्या होता है इंशाल्लाह। होपफुली हमारा ये है कि ऑडियंस को हमारी क्रिएटिविटी पसंद आएगी और रिदम्स भी पसंद आएगी। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। चारपाई जैसे बैंड्स की मौजूदगी साबित करती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। चारपाई ग्रुप में मौजूद ये चारों नौजवान रवायती साज बजाना भी खूब जानते हैं, लेकिन क्योंकि अब मामला है पाकिस्तान की नुमाइंदगी का, तो इन्होंने अपने बनाए साजों पर भरपूर प्रैक्टिस कर रखी है और इन्हें कौम की दुआओं की ज़रूरत है। कैमरामैन खुर्रम फयाज के साथ मोहम्मद तौसीफ सभी समा लाहौर।